अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आमना खान। सबसे पहले हेडलाइंस। चिन्योट में शहरी की आंखों में कील ठोक दिए गए। आईजी पंजाब राव सरदार ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि जिनके नाम पिंडोरा पेपर्स में आए उनमें से बेशतर ने पहले ही से मामलात को डिक्लेयर कर रखा था। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में तैनात भारतीय फ़ौजी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, ताहम फौरी तौर पर खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। बरतानिया में ट्रक ड्राइवरों की कमी के बायस पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई थी, ताहम अब पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए बरतानवी फ़ौज को मुतहर्रिक कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से फीकस 50,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान का नून लीग के इनकार के बावजूद क्रिकेट टाकरे के मैचेस कराने का ऐलान। पंजाब पुलिस के 8 डीएसपीज और लाहौर के 16 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकरीर तबादले कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी अरशद महमूद बट इंतकाल कर गए। रेस्क्यू 1122 का अहलकार तरबियती कोर्स के दौरान जान की बाजी हार गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर।